सिवनीवासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन की अवधि तो है, 14 अप्रैल तक है। 14 अप्रैल तक हम लोगों को अपने अपने घरों में रहना है और लॉकडाउन के जो निर्देश सभी को जारी किए गए हैं कि हम लोग उनके निर्देशों का पालन करें। अधिकांश चीज़ें, चाहे राशन हो, चाहे दूध हो, चाहे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें हो, मेडिकल हो, इवन डॉक्टर भी आपके पास जो है टेलीफोन पर उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको प्रशासन ने हर चीज़ घर पर मुहैया कराने की कोशिश करी है। हम बस अपना पेशेंस रखें, अपने पेशेंस को ना तोड़ें और हम लोग जो है अपने घर पर रहें। कुछ लोग जो बाहर से लौटे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप अगर कहीं बाहर से आए हैं, विदेश यात्रा करके आए हैं, तो इस तथ्य को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस से संक्रमित होना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये एक दुर्भाग्यशाली क्षण है, ये एक बैड मोमेंट है कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास में बैठ गए, या उसने छींका, आप उसके पास में बैठे थे, या कोई भी कारण हो सकता है। जैसी आम बीमारियाँ हैं, वैसी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। जिला अस्पताल आपका इलाज किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज में पूरी सुविधाएं हैं। तो किसी भी प्रकार से मन में ये शंका, ये भाव नहीं आना चाहिए कि मुझे कोरोना हो गया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इसको अपराध के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कलेक्टर सीनियर को व्यक्तिगत भी फ़ोन कर सकते हैं कि सर, मैं यहाँ बाहर से आया हूँ, मैं इटली से आया हूँ, मैं किसी भी विदेश यात्रा करके आया हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आया हूँ, या आपको लग रहा है कि कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है। हम गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखेंगे, आपके इलाज का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो कोरोना को एज ए अपराध या पाप की भावना से ग्रसित होकर नहीं लेना। ये एक सामान्य बीमारी है जिसका इलाज संभव है। अभी हम लोग जिले में लगभग जो हमारे गांव में एक लोगों की शंका बनी हुई कि जो लोग गांव की सीमा में घुसे हैं वो पता नहीं कैसे हैं, कहां से हैं। मैं इस बारे में गांव वालों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि लगभग जिले में 14,000 लोग आए हैं। ये 14,000 लोग सिवनी के निवासी हैं। सीमा जिले की सीमाओं में एंटर होने से पहले हम लोगों ने 11 जगह चेक पोस्ट बनाई है। उस चेक पोस्ट पर सब लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई है। उस थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान उन लोगों को कोरोना वायरस से रिलेटेड सिम्टम, सर्दी, खांसी, जुखाम, ऐसे कोई सिम्टम नहीं थे। यदि उनमें ऐसे सिम्टम होते तो हम उन लोगों को रोक लेते और रोक के उनको जो हमारे संस्थागत क्वारंटाइन है वहाँ 14 दिन के लिए रखते। परंतु चूंकि ये लोग बाहर से आए हैं तो एहतियात के तौर पर हमने उन लोगों से अनुरोध भी किया है कि आप जब गाँव में जाओ तो अगले 14 दिन आप अपने घर पर रुकिए, आराम से आप अपने घर वालों से आइसोलेट होकर रहिए, घर में रुकिए। तो यदि कोई ऐसे व्यक्ति गाँव में आए हैं तो उनको गाँव में आने दिया जाए और उनको 14 दिन में आइसोलेशन रहने के लिए कहा जाए। और उन लोगों से अनुरोध है कि वो भी 14 दिन स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन का नॉर्म्स का पालन करेंगे। यदि वो लोग पालन नहीं करेंगे तो हमारी जो टीम है जिसमें सचिव, सरपंच, जीआरएस, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सब लोग भी शामिल हैं, वो निकटतम थाने में सूचना देंगे। ऐसे व्यक्ति जो होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहे हम उन पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि आज की तारीख में सिवनी जिले में कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, और यदि कोई होगा तो भी हम लोग पूरा जो स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, उसका समुचित इलाज कराएंगे, और जो जो व्यक्ति उसके संपर्क में आया होगा उनका भी पूरा इलाज कराने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। सभी से अनुरोध है, डरे नहीं, सजग रहें, सतर्क रहें। कोरोना वायरस सबको पता है एक वायरस से होता है, और वायरस जो बेसिक साइंस के स्टूडेंट सब जानते हैं, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस में कोई दम नहीं है, वायरस को दम इंसान देता है। जब वायरस किसी इंसान के संपर्क में आता है तब उसमें पावर आती है, वरना वायरस सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी वायरस कुछ भी नहीं है। तो यदि इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, यदि सिवनी का नागरिक घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो वायरस अपने आप किसी सरफेस पे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे रह के ख़त्म हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि हम इस वायरस को बल ना दें, क्योंकि ये वायरस आरएनए वायरस है, ये हमारे शरीर के संपर्क में आएगा तो ही ये पावरफुल होगा, वरना कोई पावरफुल नहीं होगा। हम लोग अपने घरों पर रहें, वायरस की चेन को तोड़ें, जहाँ तक हो आइसोलेशन में रहें, अपने किसी भी कीमत पर जो लॉकडाउन के प्रिंसिपल उसको ना तोड़ें, और इस महत्वपूर्ण घड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है होम आइसोलेशन। जितना हम आइसोलेट रहेंगे, जितना हम घर पे रहेंगे, आपने उतना अच्छा काम देश के लिए किया है। ये एक ऐसा काम है कि आपको सिर्फ मात्र 14 दिन घर पे रहकर अपनी देशभक्ति दिखानी है। यदि आप 14 दिन घर पे रहे, आपको कोरोना नहीं हुआ, तो आप ये मान के चलिए आपने देश के बहुत बड़े संसाधनों को बचाने में अपना योगदान दिया है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि ये बहुत ही सिंपल और सरल काम है, सिर्फ आपको संयम रखना है, 14 दिन घर पर रुकना है। सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध है, जिला प्रशासन सब चीज़ें घर पर मुहैया कराएगा। और भी किसी को समस्या हो तो व्यक्तिगत मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे जो लैंडलाइन नंबर से उन पर बात कर सकते हैं। हम लोग आपकी सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग 14 दिन हमारा सहयोग करिए और सिवनी जिले को कोरोना वायरस से बचाने में हमारा सहयोग करिए। पुनः सभी सिवनी वासियों को अभी तक रखे गए धैर्य के लिए धन्यवाद, साधुवाद।